पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में खंडवा वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। 12 मार्च यानी आज से खंडवा शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है, जो डाकघर में संचालित होगा। इस सेवा केंद्र के खुल जाने से न सिर्फ खंडवा के बल्कि निमाड़ और आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। बुरहानपुर, हरदा, बड़वानी जैसे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर आसानी से अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। क्षेत्रवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए इंदौर या भोपाल जैसे महानगरों की ओर रुख करना पड़ता था। ऐसे में छात्रों और विदेश दौरों पर जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पेश आती थी, लेकिन अब पासपोर्ट सेवा केंद्र के बन जाने से खंडवा में ही आसानी से पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के हाथों आज पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विदेश मंत्रालय विधायक व महापौर उपस्थित रहे। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खंडवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो हम सभी के लिए गर्व और उत्साह का कारण है। अब यहाँ के लोग आसानी से पासपोर्ट बनवाने का अवसर प्रदान होगा और उन्हें कहीं किसी और जिले शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस उपक्रम में पोस्ट ऑफिस खंडवा का भी विशेष योगदान है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यालय में से खंडवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के आवेदक भी लाभान्वित होंगे और अपना पासपोर्ट आवेदन यहाँ जमा कर सकेंगे। पासपोर्ट मात्र एक पहचान दस्तावेज न होकर एक जरिया है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने का, व्यवसाय का, नौकरी का, अच्छी शिक्षा पालन करने का। अत्यंत खुशी हो रही है कि ऑनलाइन आप पासपोर्ट आवेदन करने के बाद सारी औपचारिक करने के पूरी कर ली जाएगी और ये पासपोर्ट कार्यालय में आपके यहाँ पे आवेदन जाने के बाद आपको भोपाल इंदौर जाने की जरूरत नहीं है सकती है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। अंत में एक बार मैं सिर्फ सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण लगातार मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से मिल करके और अपने लोकसभा क्षेत्र के मामले को लेकर के, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, आप जाओगे तो मिलेगा क्या। आज ऐसे लोकप्रिय सांसद जिसको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रत्याशी बनाया है, एक बार जोरदार तालियों से हमारे सांसद होने का स्वागत करें। मित्र, ये हमारा सौभाग्य है कि अभी बैंक ना चालू खाते में पैसा रखो, कितना मिलता है ब्याज, 2.75। वो प्राइवेट बैंक है, कमा के विदेश भग जाए वो। और ये पोस्ट ऑफिस, अरे मोदी जी गारंटी का पोस्ट ऑफिस है, मोदी जी यहां पैसा रखो चालू खाते में, 4% मिलेगा, 4% मिलेगा, 8% ब्याज मिलता है। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस में यहां पर अगर आप 5 साल का पैसा फिक्स डिपॉजिट करोगे तो मोदी की गारंटी के साथ 7.5% ब्याज मिलता है। तुम्हारा कोई मॉडल नहीं है, तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इसलिए बोलता हूं हेमा मालिनी जी को रखो ना यार, गारंटी है। क्यों गारंटी है, मैंने हेमा मालिनी के नाम क्यों लिया। लगातार भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की प्रतिमूर्ति। आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं हेमा मालिनी जी की जिसको देख के तुम मुंह छुपाना पड़े। हमारे संस्कृति, इतिहास और हमारी संस्कार की प्रतिमूर्ति हेमा मालिनी, गारंटी, मोदी की गारंटी। तीसरी चौथी बार सांसद बन रही और फिर भी तुम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना रहा यार, बनाओ। हम हेमा मालिनी जी के पट्टे, हम तुम्हारे सारे ग्रामीण में सारे गरीबों का पैसा बैंक से निकाल के पोस्ट ऑफिस में डाल दो, जरा एक बार इस्तेमाल तो करो, फिर विश्वास करो। मध्य प्रदेश की धरती पर जीवन और मृत्यु से अगर संघर्ष कर रहा होगा और उसके पास प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य कार्ड, क्या बोलते हैं उसको, आयुष्मान कार्ड होगा, तो गरीब आदमी को पटाजन से लेने भी भोपाल से हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर।